गाइस डरने का लगाओगी बिंदी वेलकम टू करण शर्मा यूट्यूब चैनल गाइज। Hi guys, how are you doing? Today is Deepavali और आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। I know ये व्लॉग थोड़ा लेट आएगा लेकिन मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे, श्री राम जी करें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं और आप बहुत तरक्की करें, खुशहाल जिंदगी जिए। Lots of love और चलते हैं आज की पार्टी में दिवाली सेलिब्रेशन में। पहले मैं घर पे थोड़ा सा पूजा करूँगा। मैं कुछ स्वीट वगैरह लेकर आया हूँ और जहाँ जहाँ मुझे जाना है सबके यहाँ मंदिर में पूजा करूँगा, जो पीछे मंदिर है। एंड क्योंकि मैं अकेला हूँ अभी घर पे तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। अभी नहा धो के मैं अभी मंदिर से आया हूँ और उसके बाद मैं ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर यहाँ पर दिए जलाऊंगा और पूजा करूँगा, बहुत सारी चीज़ें करनी है। ओके सो लेट्स गो। दोस्तों मैंने आरती कर ली है और अब मैं अपने दोस्तों के यहाँ जाऊंगा थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेट करने। See you there. So, मैंने स्वीट्स पैक कर ली हैं और ये सब जाएंगे मेरे दोस्तों के यहाँ, लेकिन पहले हम चलेंगे मेरी सोनू दीदी के यहाँ जो कि पहले मेरे पड़ोस में रहती थी, फिलहाल वो अभी दूसरी जगह पे रहती हैं। तो फर्स्ट लेट्स मीट हर। ओके दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी और आप और जल्दी से जीजू आएंगे फिर पार्टी करेंगे हम लोग। ओके श्योर फुल ऑन मस्ती फुल ऑन मस्ती। और अब मैं तानिया से मिलने जा रहा हूँ, आने तानिया के घर जा रहा हूँ स्वीट लेके, हैप्पी दिवाली बोलने। लेट्स सी क्या करेंगे। हे गेट बस आपकी कृपा है। किट्टू क्या बोलेगी, किट्टू क्या बोलना चाहेगी, जब देखो जब मेरे ब्लॉग में ये ऐसे मत बोल, डेली तेरे को बहुत गालियां पड़ती है, पता है ना। हां तूने देखी नहीं कमेंट्स की, किट्टू को क्या प्रॉब्लम है अगर हम चैनल ब्लॉग में। हां कमेंट्स आते हैं गाइस, प्लीज ऐसे कमेंट्स मत करना। इसके बाद हमने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कराई और हम चले शगुन की थोड़ी सी फुलझड़िया जलाने के लिए नीचे सोसाइटी में। सो लेट्स गो। फुलझड़ी जलाई जाएगी गाइस, बचपन की यादें ताज़ा। पटाखे तो मैं फोड़ ही नहीं पाता हूँ, डर लगता है मुझे। I got one फुलझड़ी। किट्टू तेरी फुलझड़ी कहाँ है? मुझे भी चाहिए। हाँ मेरी फुलझड़ी, मेरी फुलझड़ी। हाँ भाई ये देखो तुम्हारी ड्रेस ने ड्रेस बचा के गाइस। हाँ हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली का वो देखा था। हैप्पी दिवाली।
माचिस से जला दे। ये ले। करण क्या ये आज जलेंगे? ये लड़कों की स्टाइल लगाए, लड़के ऐसे जलाते हैं। अरे पूरे माचिस रख के। ये देखो, ओह शिट, ओह शिट। अरे मरवाएगा मेरी बिल्डिंग को जलाने की पूरी कोशिश है इसकी। अच्छा एक और बारी, एक और बारी। ये अनार मैं जला के रहूंगा, रुको। नानिया तुम इसके सामने हो। ये अनार जलाने की कोशिश, अनार जलाने की कोशिश हो रही है। जलेगा, कैप्चर। गाइस डरने का नहीं लेकिन सेफ रहने का, क्योंकि जरा सी भी चिंगारी बाल जल गया आपके आज। बालों के लिए हानिकारक हो सकती है, कपड़ों के लिए भी, फिर आपके लिए। दोस्तों बहुत मजा आया फुलझड़ी जला के बहुत टाइम बाद। और तानिया किट्टू ये जो फुलझड़ी की जो ये लोहे की जो डंडियाँ बच जाती हैं उन्हें कचरे के डिब्बे में डालने की तैयारी कर रही हैं। और इसी के साथ मैं इनसे अलविदा कहता हूँ एंड चलता हूँ अपने दूसरे दोस्त के यहाँ। अंकिता एंड करण पटेल के घर हम जाएंगे। अंकिता को पता नहीं कि मैं यूट्यूब पे हूँ, जरा बता दो आगे मैं यूट्यूब पे हूँ। दोस्तों पता है, मुझे सब पता है। दोस्तों आप सब जानते हैं मैं यंगर ब्रदर हूँ, उसवाल फैमिली का यंगर लड़का है, सबसे छोटा कर रहा हूँ इंडस्ट्री का। कब मिले थे? इधर देखो, से हाय। ओ वाह, हेलो बोलो। अंकिता के घर पहुंचने पर बहुत सारे दोस्त मिले और मेहर वहां पर बहुत ही शरारत कर रही थी। सो आई थॉट टू कैप्चर दिस मोमेंट एंड शेयर इट विद यू गाइस। तेरे लगाओ की बिंदी मैं आऊं चाचू की लगाओ बिंदी क्या एक बिंदी मैं चाचू की कितना बड़ा टीका दे दूंगी। एक बिंदी लगाओ, कैन सेंस डैड वाइब। हां तो एक मत की। यहाँ करण बहुत मेहनत करते हुए मेहर को कन्विंस करने के लिए कि वो बिंदी उनके सर पे लगाए, लेकिन मेहर है कि वो मामा के साथ ही खेलना चाहती हैं। Isn't it cute? पार्टी में मुझे अरहान भी मिल गया। अरहान को मैंने MTV's डिजिटल डांसर ऑफ द ईयर एक अवार्ड प्रेजेंट किया था एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम मीटिंग आफ्टर लॉन्ग। ये देखो यहाँ पर ना अंकु मेरी बड़ी बहन बनी थी, ठीक है तो ये मुझसे हमेशा बड़ी रहेगी और मैं इससे हमेशा छोटा रहूंगा। हो सकता है मैं धीरे धीरे और छोटा हो जाऊँ। नहीं मैं छोटा हूँ अंकल, आप बोल रहे हो। ये तो बड़ी है ना, ये दिमाग से बड़ी है। हाय राम, देखो मेरे पापा ये। अच्छा ठीक है, दिमाग से बड़ी है। नो डाउट, ये दिमाग से बड़ी है, बहुत ही अच्छी है, सिंसियर लड़की। करना पड़ता है, नहीं तो दोस्त लोग वो हो जाएंगे। अच्छा अंकु बाय बोल दे, बाय बोल दे। बाय बाय, बाय, हैप्पी दिवाली। अंकिता के साथ ये मस्ती करके मुझे एक नई पहचान वाले दिन याद आ गए, जहाँ पर हम भाई बहन प्ले कर रहे थे वहाँ पर भी हम ऐसे ही शरारत करते थे। और आज के दिन किसी का बर्थडे भी है, सो केक काटा जा रहा है। मैंने भी केक खाया, बड़ा मजा आया। ओके सो दोस्तों अब पार्टी यहाँ ख़त्म करते हैं, अब चलते हैं राधिका के यहाँ। थैंक यू करण एंड अंकिता, आई हैड अ ग्रेट टाइम, वी'ल सी यू नेक्स्ट ईयर इन दिवाली पार्टी। टिल देन यू गाइस टेक केयर।
सो गाइस अब मैं राधिका के घर जा रहा हूँ। राधिका के यहाँ देखते हैं, सब लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं और मेरी बहुत सारी डांट पड़ रही है, मैं लेट हो गया हूँ। मैं एक्चुअली चल गया था अंकिता के यहाँ, सो अंकिता से मिलने के बाद अब मैं राधिका के यहाँ जा रहा हूँ। देखते हैं राधिका क्या बोलती है। यहाँ हो रही है दिवाली की असली पार्टी, बिकॉज ये है हमारा गैंग, हमारा आगरा गैंग, हमारा ससुराल सिमर का गैंग। और यहाँ पर हम सब लोग, बताया था ना मैंने पहले आपको कि बिल्कुल ही रिलैक्स होके एक दूसरे के साथ हम एंजॉय कर पा रहे हैं, बिकॉज वी मीट एवरी डे एंड वी आर फैमिली नाउ। सो लॉट्स ऑफ लव टू माई ससुराल सिमर का सीजन टू फैमिली, आई लव यू गाइज। तो दोस्तों ये दिवाली का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा इसे देखते हुए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर नहीं तो डिसलाइक बटन। प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। आई लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।